मान ली है कि इन्होंने अपनी शारीरिक बनावट के अनोखेपन का फायदा उठाना सीख लिया है। जमीन पर चाहे जितना बेमेल लगता हो और उड़ता बड़ा शानदार तरीके से है। स्किमर बड़े ही खास तरीके से अपनी चोंच का फायदा उठाता है। भोजन की तलाश में पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उड़ते हुए चोंच का इस्तेमाल एक चमचे की तरह करता है। कुछ पक्षियों ने दलदली इलाकों में रहने का फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया है। झीलों और दलदली इलाकों में इन पक्षियों को बड़े शिकारियों से सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ साथ तरह तरह का भोजन मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। मछली, मेंढक या कीड़े जो भी उन्हें पसंद हो तकरीबन हमेशा यहाँ मिल जाते हैं। इस बात पर शक नहीं किया जा सकता कि दलदली इलाकों में पाया जाने वाला ये सबसे आश्चर्यजनक पक्षी है। इसे शूबिल कहते हैं। हर तरह से अनोखा है, बहुत ही कम देखा जाता है। युगांडा और तंजानिया के छोटे से इलाके में ही बचा रह गया है। इस पक्षी की ऊंचाई 1 मीटर से भी ज्यादा होती है और ये अपनी बड़ी चोंच के कारण पहचाना जाता है, जो इसके सिर का आधा हिस्सा घेर लेती है। चोंच को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इसका सिरा एक हुक की तरह मुड़ा हुआ है। शूबिल अपनी चोंच का इस्तेमाल शिकार पर एक बर्छे की तरह करता है और उसे भयानक रफ्तार से निगल जाता है। शूबिल को